What is the full form of PMRY? भूखा रहकर किसी को खिलाकर तो देख, खुद भूखा रहकर किसी को खिलाकर
कुछ यूं इंसानियत का फर्ज निभा कर तो दे। मशीनरीज एंड टेक्नोलॉजी ड्यू टू अवर फास्ट पेसिंग एज बिजी शेड्यूल्स वी गिव लेस इंपॉर्टेंस टू फिजिकली फिटनेस एंड मेंटली हेल्थ एज वेल एज द रिजल्ट ऑल वी हैव बिकम इन फिजिकली इनएक्टिव एंड लेजी But with this or we have heading towards the health lifestyle. Sadly, the answer is no. It can also to be done in the form of walking, cycling, yoga and meditation. They bring calmness to both mind and body. It is health. It is really wealth. It is health. जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कुछ सबर करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राइट आंसर। पैर के नीचे जमीन नहीं है, तुम्हारे पैर के नीचे जमीन नहीं है, कमाल ये है कि तुम्हें इसका यकीन नहीं है। मेरा नाम तहरान कटोच है, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं वेलबींग हाउस का एक मेंबर हूँ और हमारी ये कैप्टन सनाया कटोच है और इंचार्ज मैम रुबीना मैम है। और हमारे हाउस का आज तीसरा दिन है और हम सुबह आए तो हमने सबसे पहले सफाई की, उसके बाद असेंबली की, उसके बाद और फिर से सफाई की। मेरा नाम उमर शकील है, मैं चक्का से बिलोंग करता हूँ। हमारा ये ग्रुप है, इसका आज तीसरा दिन चल रहा है। हमारा कप्तान सनिया कटोच और हमारी इंचार्ज रुबीना मैम, आज हमारा इस ग्रुप का तीसरा दिन चल रहा है। हमने जब हम सुबह आए बहुत अच्छे तरीके से सफाई की, डाइस को संभाला और बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रेयर की। जो कुछ एक्टिविटीज़ रखी थी वो भी हमने कर दी और हम चाहते हैं कि हम सबसे टॉप करें और जो चार ग्रुप हैं उनसे भी टॉप करें। का मंजूर है, मैं वेलबींग ग्रुप की मेंबर हूँ और हमारी इंचार्ज रुबीना मैम है और कैप्टन सनाया कटोच। और हम यहाँ सुबह सुबह आए, हमने यहाँ पूरे को सफाई की और पौधों को भी पानी डाला, फिर पानी भरा, असेंबली की। और जब से ये ग्रुप बने हैं हमने ये सीखा, मैंने ये सीखा है कि हर काम मिलके करना चाहिए। मैं पहले घर में काम नहीं करती थी, जब से ग्रुप बना है तो मैंने ये सीखा है कि मिलके काम करना चाहिए। और मैं घर में काम करती हूँ, मम्मा की भी हेल्प करती हूँ और स्कूल में भी काम करते हैं हम। सुबह सुबह आके पूरे सफाई करते हैं और जब से ग्रुप बना है हमने ये सीखा है कि हमें मिलके काम करना चाहिए।